जो बच्चा नीट या जेई की तैयारी कर रहा है यार, उसके मन में ये सवाल जरूर है, जेई मेंस के जो बचे हुए अटेम्प्ट हैं वो कब पॉसिबल हैं, नीट 2021 की जो एग्जाम डेट है वो क्या होगी। हमारे पास कोई ऑफिशियल अपडेटा नहीं है, लेकिन कई सारे जो एग्जाम हैं उन्होंने अपनी ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दी है, जिसके बेसिस पर आप बिल्कुल क्लियर कट आइडिया लगा सकते हो कि आपके नीट 2021 का एग्जाम डेट क्या पॉसिबल है और जेई मेंस का जो बचे हुए अटेम्प्ट है अप्रैल और मई अटेम्प्ट वो कब हो सकते हैं यार। तो यहां पर अपन वही डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। जैसे जैसे COVID-19 के केसेस कम होना स्टार्ट हो रहे हैं, वैसे वैसे कई जो एग्जाम है उन्होंने अपनी ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दी है यार, जिसमें कई सारे एग्जाम आते हैं, अमृता, IIIT हैदराबाद, वेस्ट बंगाल, UPS, BITSET, NEST और COMDET जैसे एग्जाम ने अपने ऑफिशियल जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस कर दी है। अब इन एग्जाम डेट्स के बेसिस पर अपन बिल्कुल क्लियर कट आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे जो जेई मेंस के बचे हुए टाइम है वो कब पॉसिबल है और नीट 2021 की जो एग्जाम डेट है वो क्या हो सकती है। अमृता का जो एग्जाम है वो है भाई 11 से 14 जुलाई, IIIT हैदराबाद 16 जुलाई को अपना एग्जाम लेगा, वेस्ट बंगाल जेई 17 जुलाई, UPS 17 से 19 जुलाई, BITSET 3 से 6 अगस्त, NEST का एग्जाम 14 अगस्त को और COMDET का जो एग्जाम है वो है 14 सितंबर को। ठीक है, जैसा आप जानते हो यार कि COVID-19 के केसेस कम हो रहे हैं, उसको देखते हुए ही इन एग्जाम्स ने अपनी जो ऑफिशियल डेट है वो रिलीज करी है यार। ठीक है, अगर जेई मेंस की अगर पहले बात कर लें कि अगर आपको जेई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट कराना है तो आपको 4 दिन का समय चाहिए, मिनिमम 4 दिन आपको मिलने चाहिए फ्री में, जहां पर आपका कोई भी एग्जाम क्लैश नहीं होना चाहिए। ठीक है, जेई मेंस नेशनल लेवल एग्जाम है, उससे कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम क्लैश नहीं होना चाहिए। ये NTA की जिम्मेदारी होगी भाई कि जब जेई का एग्जाम हो तो उस दिन कोई और एग्जाम नहीं होना चाहिए यार। ठीक है, तो अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है उसकी हम बात करते हैं। यहां पर अगर बात करें तो जुलाई 11 से ठीक है जुलाई 19 तक हमारे पास कोई भी चांसेस नहीं है कि इसके बीच में हमारा जेई मेंस हो जाए। हमारे पास एक चांस ये बनता है कि 19 जुलाई और 3 अगस्त के बीच में हमें काफी अच्छा टाइम मिल रहा है, इसके बीच में अपन जेई मेंस यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहां पर अपन जेई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल अटेम्प्ट हमारा यहां पर हो सकता है। एक चांस ये है भाई, ठीक है, मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, कोई क्लियर कट ऑफिशियल नहीं है भाई ये, लेकिन आप एक आइडिया लगाओ कि इसके बीच में आपको थोड़ा बहुत समय मिल रहा है जिसमें आप जेई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट करा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो आपको मिल रहा है, देखो 3 अगस्त से 6 अगस्त को आपको BITSET है, 14 अगस्त को आपको NEST है, फिर 14 सितंबर को आपको COMDET का एग्जाम है, तो इसके बाद आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर आपका जेई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट हो सकता है। एक तो आपके पास यहां पर चांसेस है, ठीक है, 19 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में आपका जेई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट हो जाए, फिर 14 अगस्त के बाद भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर यहां पर जेई मेंस नहीं हो सकता तो यहां पर पॉसिबल है भाई। ठीक है, यहां पर पॉसिबल है कि यहां पर आपका एग्जाम हो सकता है यार। दो विंडो यहां पर ओपन हुई है हमारे पास, एक तो लास्ट जुलाई में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और दूसरा 15 अगस्त के बाद। ठीक है, 15 अगस्त के बाद आप जेई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर अप्रैल अटेम्प्ट की डेट ये होती है तो उसके 15 दिन बाद आपके मई अटेम्प्ट हो सकता है यार। ठीक है, अगर आपके पास अगस्त में यहां पर अगर जेई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट हो जाता है तो यहां पर आपका जेई मेंस का मई अटेम्प्ट पॉसिबल है दोस्त। ठीक है, तो अगर यहां पर जेई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट होता है तो यहां पर आपका जेई का मई अटेम्प्ट पॉसिबल, अगर यहां पर अगर आपका जेई का अप्रैल अटेम्प्ट होता है तो इसके 15 दिन बाद, मतलब आप सितंबर में लेके जाएंगे जेई मेंस के अप्रैल मई अटेम्प्ट को, यहां पर 15 दिन बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर जेई मेंस का हाल ये है तो इससे आप नीट का बहुत क्लियर कट आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जान रहे हो कि जुलाई आपका पूरा भरा जा रहा है, ठीक है, अगस्त आपका पूरा भरा जा रहा है, मैं आपको फिर बता देता हूं, जो स्टूडेंट इस गलत फहमी में है कि हमारा नीट 1 अगस्त को होगा, दोस्त भूल जाओ ये गलत फहमी। ठीक है, 1 अगस्त को किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है, आप अपनी तैयारी को थोड़ा और टाइम मिल रहा है उसे अपनी बूस्ट करें तैयारी को एकदम तरीके से। ठीक है, अब यहां पर आप नीट की क्या डेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसकी थोड़ी सी बात करते हैं,
कि अपन तो ये मान के चल रहे हैं कि सपोज यहां पर अगर हमारा जेई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट हो जाता है, यहां पर हमारा जेई मेंस का मई अटेम्प्ट हो जाता है, तो उसके बाद ही हमारे पास चांसेस हैं, ठीक है। तो अपन सितंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 14 सितंबर के बाद, ठीक है, 14 सितंबर के बाद यहां पर हमारा नीट हो सकता है, यहां पर हमारा नीट 2021 हो सकता है, ये ध्यान रखें, यहां पर हमारा नीट हो सकता है। 1 अगस्त को पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है, 1 अगस्त को पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनटीए सबसे पहले अपना जेई मेंस के जो बचे हुए अटेम्प्ट है उन्हें कराएगा, फिर उसके बाद नीट कराएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले नीट हो जाएगा फिर जेई मेंस, ना, पहले जेई मेंस के बचे हुए अटेम्प्ट होंगे, फिर उसके बाद नीट 2021 का एग्जाम होगा। तो नीट 2021 आप सितंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आपका जो जेई मेंस है उसके 2 विंडोज ओपन हो रही है, 1 तो लास्ट जुलाई में और 1 14 अगस्त के बाद, ठीक है। तो यहां पर आप जेई मेंस के अटेम्प्ट सोच सकते हैं यार, ठीक है, और 2 अटेम्प्ट के बीच में लगभग इस बार आपको टाइम कम मिलने वाला है, ये ध्यान रखें, ठीक है, 10 से 12 दिन का समय मिलेगा, ज्यादा समय नहीं मिलने वाला इस बार, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से आपके पास एक क्लियर कट आइडिया लग रहा है जेई मेंस और नीट की एग्जाम डेट का यार, ठीक है। आपको करना बस इतना है यार कि आप अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं, मैं जानता हूं यार कि इस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन बहुत है बच्चों के मन में कि हमारी एग्जाम डेट का हमें पता नहीं है, उससे हम अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जो मोमेंटम हमने पहले बनाया था एग्जाम डेट को देखते हुए वो मोमेंटम हमारा टूट चुका है यार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है यार, इस टाइम पे अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा यार, अपने गोल को थोड़ा सा देखो यार कि हमें कहां पहुंचना है, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना पड़ेगा। आप जानते हो कि जैसे जैसे ये टाइम बीत रहा है वैसे वैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, और कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो यार मेहनत तो लगने वाली है, ठीक है। मतलब इस बार कॉम्पिटिशन ज्यादा होने वाला है, चाहे आपका जेई मेंस का एग्जाम ले लो या नीट का एग्जाम ले लो, इन दोनों में कॉम्पिटिशन हाई रहने वाला है दोस्त। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना वैसे वैसे ये कॉम्पिटिशन और बढ़ता जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें, कॉम्पिटिशन ज्यादा है तो अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। आप अपने गोल पर फोकस रहें, ठीक है, और आपके पास इतना समय आपको मिल रहा है, बिल्कुल क्लियर कट आइडिया आपको यहां से मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी प्लान करें, ठीक है, और अपनी तैयारी में एकदम जुट जाएं। जिन बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि केमिस्ट्री अड्डा पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक से एडवांस लेवल तक तैयार कर सकते हैं। साथ में आप वहां पर शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो नीट का हो या जेईई का स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ये फायदेमंद होने वाला है भाई। तो एक बार जाकर चेकआउट जरूर करें यार, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्लियर कट आइडिया जेईई और नीट की एग्जाम डेट का यार, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।